ऊर्जा शक्ति का वापर। इसको इस लेसन को लिखा गया है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर के द्वारा। माशेलकर अपने लाइफ में वो किस तरीके से जब छोटे थे, एक स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उस मोमेंट में उनका बचपन कैसे गुजरा है और कैसे वो स्टूडेंट थे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के लेसन में। जैसे कि आप लोग को ये जो लेसन दिया गया है, आप लोग जानते हैं कि मराठी का जो भी मराठी सब्जेक्ट में लेसन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पोएम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बस एक ही पर्पस रहता है कि आप लोगों की लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाए आपकी लैंग्वेज का, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर एक स्टोरी जैसे ही है, स्टोरी में बताया गया है कि जो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हैं, तो जब ये छोटे रहते हैं तो इनके पिताजी का डेथ हो जाता है एंड फिर इसकी माँ बस अकेले रहती है। माँ वहाँ से निकल के माशेलकर प्लेस में आ जाती है और वहाँ पे माँ अपने माँ और माँ का भाई रहता है। माँ तो इसका ये जो माशेलकर सर हैं इनके मामा लगते हैं। तो दोनों आते हैं, फिर जब वो इस प्लेस में आते हैं तो बहुत मुंबई में वो वहाँ से मुंबई आ जाते हैं, ठीक है। अब गांव से जैसे ही ये मुंबई आते हैं तो मुंबई में इनको पढ़ाना रहता है, तो इनको पढ़ाने के लिए उनकी माँ स्कूल्स में जाती है, बट इतने पैसे नहीं रहते हैं इसलिए मराठी मीडियम में ही इनको पढ़ाई करनी पड़ती है। मराठी मीडियम में भी इनको थोड़ा बहुत देना रहता है, तो फीस की जो व्यवस्था तो उसकी माँ ही करती है। जैसे तैसे ये लोग उधर निर्वाह का मतलब होता है यहाँ पर कि पेट, अपने जीवन निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए, ठीक है। तो अब दैनंदिन में जैसे कि हमें रोटीन के लिए भी पैसे ही चाहिए, खाने खाने के लिए भी पैसे चाहिए, तो इनको निर्वाह करने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने गांव छोड़ के डायरेक्ट ये मुंबई आ गए। मुंबई आकर इन्होंने क्या किया, तो इनकी आर्थिक परिस्थिति तो इतनी अच्छी थी नहीं, ये लोग बहुत पुअर थे और इस गरीबी से ये लोग पूरी फैमिली संघर्ष कर रहे थे। अब स्कूल कैसे जाऊं, ये क्वेश्चंस ऑथर के मन में था, और ऑथर के मन में था तो उसकी माँ को उसकी माँ भी चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़े, बिकॉज़ कि उस टाइम पर पढ़े लिखे का बहुत वो था, जो अनपढ़, उसकी माँ सोच रही थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी तो पर मैं अपने बेटे को ज़रूर पढ़ाऊँगी, और यही गोल बनाकर उसकी माँ ने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत जगह कामे किए, बिकॉज माँ उनकी पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए जो भी काम मिलता था वो करती थी, चाहे वो घर का काम हो या फिर झाड़ू मारना हो, तो बहुत सारी कामे वो करती थी। ऑथर के पास चप्पल पहनने के लिए भी पैसे नहीं थे, ये पैदल ही जाते थे स्कूल में, और स्कूल भी इतनी खास तो थी नहीं कि फैसिलिटी थी। आजकल तो वैसे ठाणे महानगर पालिका के जो स्कूल्स होते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन पहले के टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ दी नहीं जाती थी। ऑथर सिर्फ 12 वर्ष के थे, सिर्फ ओनली 12 ईयर ओल्ड थे, ठीक है। तो 12 साल के होने के बाद जैसे उनका वो पास हो जाते हैं, और जैसे ही पढ़ाई होने के बाद उनकी पढ़ाई हो जाती है, अब वो ऑथर आते हैं हाई स्कूल में। अब हाई स्कूल में जैसे ही वो आते हैं तो वहाँ पर उनको हाई स्कूल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फ़ीस भरनी पड़ेगी, और फीस भरनी पड़ेगी तो ट्वेंटी वन रुपीज़ इनकी फ़ीस थी स्कूल की, ठीक है, हाई स्कूल की। अब ये 21 रुपीज़ इनके पास थे नहीं, अब ये कैसे इनका स्कूल आगे कंटिन्यूटी हो, तो इसलिए थोड़ा टेंशन में आ गए। लेकिन उनकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी, उनकी माँ गई पैसे की व्यवस्था करने के लिए, तो आजू बाजू से पता चला कि कहीं पर काम मिल रहा है, भिराड़ प्लेस में काम मिल रहा है, भिराड़तिल का ही काम, ठीक है। तो भिराड़तिल मतलब झाड़ू पोछा लगाना या फिर बर्तन साफ करना, ऐसे ही नॉर्मल काम मिल रहे हैं। तो उससे उसकी माँ ने सोचा कि अगर काम मिल रहे हैं तो एक काम करती हूँ, एडमिशन कर देती हूँ, फीस दे देती हूँ, क्योंकि वहाँ मिल जाएगा काम। उसकी माँ जाती है वहाँ पे, वहाँ पे पता चलता है कि तीसरी पास जो लोग होंगे और तीसरी से ज़्यादा पढ़े होंगे उन्हीं को ही सिर्फ जॉब मिलेगी और बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। उसकी माँ को बहुत निराशा फील होती है, क्योंकि माँ ये सोच के गई थी कि बच्चे की फ़ीस की व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ पे तो जॉब ही नहीं मिली। तो
ये एक फीलिंग उनकी थी कि मतलब नहीं कर पाई वो, तो फिर तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हार नहीं मानी है उन वो और उनके मामा मिलके, ठीक है, मतलब कि ऑथर की माँ और उनके भाई मिलके, ऑथर के मामा मिलके इनके लिए पढ़ाने की व्यवस्था की गई। तो यूनियन हाई स्कूल में इनका एडमिशन करा दिया गया, जैसे तैसे पैसे की व्यवस्था की गई। ऑथर के पास बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, उनके पास नोटबुक भी नहीं होती थी लिखने के लिए, तो जो भी नोटबुक के पेज बचे होते थे उन्हीं कागज को अच्छे से निकाल के और सिल कर एक नई नोटबुक खुद के लिए वो बना लेते थे। तो उनके पास पेंसिल भी नहीं होती थी, तो जो एक पेंसिल थी उसी को कई टाइम लॉन्ग टाइम तक उसका यूज़ करते थे। तो इस तरीके से इनका एजुकेशन चला, जैसे और एनवायरनमेंट में इतना खासा अच्छा था नहीं पढ़ाई के मामले में। देन ऑल्सो वो जैसे तैसे ज़बरदस्ती पढ़ते थे और अच्छे रैंक लाते थे, हमेशा फर्स्ट रैंक आते थे। तो इस तरीके से उनके चले। अब आ गई दिक्कत कि उनका जो उत्तर पत्रिका मिलती है, जिसे हम सॉल्यूशन पेपर में बोलते हैं, तो अब हाई स्कूल में थे तो वो हर हफ्ते उनको लेके लिखना पड़ता था और उसके लिए इनके पास फीस की प्रॉब्लम आ जाती थी। अब यहाँ पर वो तीन पैसे का वो पेपर मिलता था लिखने के लिए, लेकिन वो पेपर भी हम लोग जो ऑथर थे उनके फैमिली वाले थे, उनकी माँ को जैसे ही पता चला कि आप वापस 3 पैसे देने पड़ेंगे हर हफ्ते, तो और टेंशन में आ जाती थी कि मैं अब और ऐसा क्या करूँ कि जिससे कि और पैसे लाऊँ, बिकॉज़ कि अब बच्चे को पढ़ाना है और पैसे तो लिमिटेड थे। तो जैसे तैसे उसकी माँ कोई ना कोई जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करके जाती और करती थी। उनकी माँ को जब पता चला था कि कांग्रेस हाउस के पास जॉब मिल रही है, कोई काम मिल रहा है, तो उनकी माँ खुश हुई कि भाई मिलेगा, लेकिन वहाँ पे तो थर्ड स्टैंडर्ड पास और या फिर थर्ड स्टैंडर्ड वाले लोगों को ही जॉब मिलेगा। उनकी माँ तो अनपढ़ थी इसलिए उनको नहीं मिला। तब से उनकी माँ ने कसम ही खा लिया था कि मैं अपने बेटे को पढ़ा के रहूँगी, और इसलिए उन्होंने जितना हो उतना कोशिश किया और अपने बेटे को आखिरकार पढ़ाया। ऑथर के स्कूल में एक साइंस के टीचर थे जिनका नाम था, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर्स थे, इनको बहुत मार्गदर्शन दिया। तो साइंस के टीचर ने क्या किया था, वो भौतिक शास्त्र भी सिखाते थे और साइंस भी सिखाते थे। तो एक बार उन्होंने बताया कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, तो अगर हम बहुत सारे कागज सूर्य की किरणों के पास रख दें, पूरी शक्ति मिला के सूर्य की किरणों की, तो वो कागज़ जल जाएगा। मतलब कि सारी लाइट अगर हम एक साथ लगा दें तो वो कागज़ जल जाएगा। अब उन्होंने ये जो साइंस है ये उनको करके दिखाया, और जब करके दिखाया और साथ में इन ऑथर को कहते हैं, ऑथर का नाम माशेलकर था, तो वो ऑथर को कहते हैं माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा काही ही जलता है, मतलब कि तुम अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करो, तुम कुछ भी जला सकते हो। तो इस तरीके से जब उन्होंने कहा तो देखा जाए तो एक उन्होंने जो उनके सर थे उन्होंने एकाग्रता का मंत्र दे दिया, दूसरी तरफ उन्होंने साइंस भी समझा दिया, विज्ञान भी समझा दिया, और ये जो लेसन था ऑथर को बहुत काम आया। ऑथर ने इसका बहुत ही यूज़ किया इस लेसन्स का। और यहाँ पे जो इनके भावे सर थे, जो सर थे साइंस और इसके, तो ये भावे सर थे, ठीक है, तो इन्होंने इसको टीच किया। तो ऑथर कहते हैं कि मैं ऐसे सर को कैसे भूल सकता हूँ, इतने अच्छे सर थे, साथ ही में जोशी सर, सिर के सर, ये सभी सर्स मेरे लाइफ में बहुत रोल प्ले किए हैं, मेरी माँ तो मेरा मार्गदर्शन बनी, ये सर लोग भी मेरा मार्गदर्शन बने, मुझे मेरे अंदर अच्छे संस्कार डाले जिसके कारण आज मैं ये यहाँ पे हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि आज भी जब वो स्कूल के दिन याद आते हैं मुझे, तो वो गरीबी भी मुझे तुरंत याद आती है कि किस हर एक छोटा छोटा पल मुझे याद आ जाता है कि किस तरीके से मेरी माँ ने, मेरे टीचर्स ने, स्कूल ने मेरी मदद की और मेरे अंदर ऐसे संस्कार भरे। तो यहाँ पे ऑथर ने लिखा है माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे राहते, मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो। ऑथर बोलते हैं कि मैं हमेशा ऐसा लगता है मुझे कि मैं वापस वहाँ
उस मोमेंट में पहुंच गया हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें फीलिंग की थी। तो आई होप कि इस लेसन का आपको समझ में आ रहेगा कि एक्चुअली में इस लेसन में क्या है, क्योंकि ये लेसन में बस इतना ही है, ऊर्जा शक्ति। इसमें एक ही मैसेज मिलता है हमें इस लेसन से कि हमें अपनी सारी शक्तियों को एक साथ करके किसी एक चीज़ में फोकस करना चाहिए, और उस चीज़ में फोकस करने के बाद में हमें उसका पूरा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो पूरा फोकस करना है और उस शक्ति का हमें यूज़ करना है, तभी हम कोई भी चीज़ जो चाहें हम वो कर सकते हैं, जो जलाना चाहें वो जला सकते हैं। तो आज के लेसन में हमने सीखा ऊर्जा शक्ति सब। आप पर अभी भी कोई डाउट है इस लेसन में जो आपको नहीं समझ रहा हो मराठी में, प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग मराठी को पूरी तरीके से, इस पूरे लेसन को, एक एक लाइन को पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके दूँ, एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिए। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो भी सब्जेक्ट में डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिएगा।